फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे फोन पे का यूपीआई पिन कैसे चेंज किया जाता है। अगर आप किसी के पास पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या बैलेंस आप चेक करना चाहते हैं और यूपीआई पिन को आप इंटर करते हैं तो देखने को मिलता है रॉन्ग यूपीआई पिन। फोन पे का यूपीआई पिन को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यार बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं जो आपका प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना है और सीखना है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेंगे तो बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फोन पे का यूपीआई पिन कैसे चेंज किया जाता है। जब फोन पे ऐप को ओपन करेंगे तो प्रोफाइल पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक रहेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा, इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रीसेट और चेंज। अगर आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो पुराना वाला यूपीआई पिन इंटर करना पड़ेगा, तब आप नया वाला यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको रीसेट पे क्लिक करना है। अब इस प्रकार का नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब यहाँ प्रोसेट का जो बटन है इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब आपके पास जो एटीएम कार्ड होगा उस एटीएम कार्ड का लास्ट का जो 6 डिजिट होगा वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आपको मंथ इंटर करना है और यहाँ पे आपको ईयर इंटर करना है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, नीचे वाला जो ऑप्शन है यूजिंग आधार नंबर, इसमें आप अपना आधार नंबर इंटर करके यूपीआई पिन को चेंज कर सकते हैं। अब नीचे में जो प्रोसेट का बटन है इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। बैंक के तरफ से 6 अंक का ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ टिक का जो ऑप्शन है इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब आपका एटीएम कार्ड का जो गोपनीय नंबर होगा वो गोपनीय नंबर आपको इसमें इंटर कर देना है। नीचे जो टिक का ऑप्शन है इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूपीआई पिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा यूपीआई पिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा जो आपका माइंड में याद रह सके। जब भी आप यूपीआई पिन क्रिएट करें तो इसमें आप यूनिक नंबर इंटर करें ताकि आपको याद रह सके। नीचे में जो टिक का ऑप्शन है इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन इंटर करना पड़ेगा। तो जो पहले आप यूपीआई पिन इंटर किए थे उसी यूपीआई पिन को इसमें आपको इंटर करना है। जो टिक का ऑप्शन है इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई पिन सक्सेसफुल चेंज हो चुका है। अब आप फोन पे से कहीं भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और आप अपने बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप फोन पे का यूपीआई पिन को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीका से कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।